हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये कुछ पैटर्न्स हैं इनको सीमलेस करने के बारे में बताऊंगा। जब भी हम स्केचअप में कोई पैटर्न अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ एक फ्लोर बना लेता हूँ 4000 × 4000 का। इस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसकी हाइट हम 100 दे देते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया मटेरियल लिया, डिफ़ॉल्ट मटेरियल। इस पर मैंने ये Image 1, जिसमें मैंने चार तरह के वॉलपेपर आपको सीमलेस करने बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले को हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी 750 mm स्केल हम सेट करके अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जो हमारा मेन इमेज है उसकी रिपीटेशन में ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें सेम इमेज मल्टी कॉपी की हुई है और वो एक दूसरे से पैटर्न्स और लेयर्स मैच नहीं हो रही हैं। ये देखिए, ये लेयर इसमें मैच नहीं हो रही, ये इसमें मैच नहीं हो रही, ये सब इसमें डिफर कर रहा है। तो इसको हमने, इस एरर को कैसे हटाना है, इसको हम फोटोशॉप में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। ये हमारी मेन इमेज है, इसी की रिपीटेशन हो रखी है फाइल में, स्केचअप में। तो हम एक नई फाइल ओपन करेंगे। इसका साइज हम कुछ भी स्क्वेयर में ले सकते हैं, 1000, 1000, 2000, 2000, जो भी आपका दिल हो। अब हम मेन इमेज को Ctrl+A Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर आकर Ctrl+V पेस्ट करेंगे। स्केल बढ़ा रहा है, Ctrl+T यहाँ से लॉक, इसको हम 60% छोटा करते हैं इमेज को, अप्लाई। अब हम इसकी चार कॉपीज करेंगे, चार कॉपी में इसकी कर देता हूँ। दोस्तों, इस तरह से हमारा स्केचअप में ये पैटर्न्स क्रोप जो है एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे थे। तो अब सबसे पहले मेन लेयर को एज इट इज रखेंगे, दूसरी लेयर को Ctrl+T फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। थर्ड लेयर को Ctrl+T फ्लिप वर्टिकल और लास्ट लेयर को Ctrl+T फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल अप्लाई। पहली को हॉरिजॉन्टली हमने फ्लिप किया, दूसरी इमेज को वर्टिकली और लास्ट इमेज को फ्लिप किया वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। दोस्तों, अब हम इस सभी की एक ही लेयर बना लेंगे, Ctrl+Alt+Shift+E, और इसको क्रॉप करेंगे। इसको क्रॉप करके और एक नए नाम से हम सेव कर लेंगे। इसको मैं फाइल सेव जेपेग फॉर्मेट, ये 1 थी, इसको मैं 1 सीमलेस के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव, ओके। इस फोटोशॉप की फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, इसी ब्लॉक की मैं पहले इसको ग्रुप बना लेता हूँ और इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। सेम मटेरियल की भी एक कॉपी करेंगे और इसमें हम जो हमने नई इमेज बनाई है उसको अप्लाई करके यहाँ अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब इसमें जो पैटर्न था वो सभी एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। ये जो एरर था, अब आप इसमें देख रहे हैं ये लाइन सभी एक दूसरे को काट रही हैं, जबकि यहाँ पर लाइंस कंटिन्यूस चल रही हैं। तो ये पहला तरह का हम सीमलेस बना सकते हैं। इसका स्केल हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे अगर हम इस इमेज को मैच करना चाहते हैं। तो यहाँ हम इसको अगर 1200 लेते हैं, दोस्तों आप देखेंगे इसमें एक ही इमेज रिपीटेशन दिख रही है, हमें एरर आ रहे हैं और दूसरे में हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। दोस्तों, अब ये पहली कैटेगरी थी, इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं दूसरी इमेज की, दूसरे टाइप की। दोस्तों, इसमें नेट से मैंने एक वॉलपेपर लिया है। अब इसमें वॉलपेपर हमें दिखाई इतना एरिया दे रहा है, जबकि इसका इमेज साइज़ ये इसमें कुछ प्लस वाइट भी आ रहा है। मैं पहले इसको एज इट इज़ अप्लाई करता हूँ। मैंने एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल लिया, इमेज सेलेक्ट की 2 नंबर पर, ओके। स्केल इसका मैंने 750 ले लिया। ये इसका रेशियो जो था उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया।
दोस्तों इसमें इमेज इस तरह से आ रही है, जो एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट है और बीच में वॉलपेपर है, तो हमें इसमें सिर्फ ये करना है, इस व्हाइट पार्ट को हमें क्रॉप करना है, और ये इमेज लगभग सीमलेस है, तो वो हमें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। हम फोटोशॉप में जाकर फाइल को ओपन करेंगे, इमेज टू, और क्रॉप करेंगे। क्रॉप इसे हमें थोड़ा इस तरह से करना है कि ये दूसरी इमेज में मर्ज हो जाए, मतलब सीमलेस बन जाए। अब इधर ये पार्ट जो है, और यहाँ से हम इसको भी इतना ही लेके चलते हैं एक बार। कंट्रोल एस, और फाइल को हम क्लोज करते हैं। मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब दोबारा ट्राई करते हैं। मटेरियल की सेम एक कॉपी, इसमें अब हम, मैंने इमेज को सेव कर दिया, इसमें सेव एज नहीं किया नए नाम से, उसी को क्रॉप करके दो पर ही मैंने सेव कर दिया। इसको ओपन करता हूँ मैं, ओके, और यहाँ अप्लाई करता हूँ। दोस्तों वॉलपेपर ऑलरेडी जो है पूरी वॉल पर आ गया है, पर इसमें हम एक डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें हमारा अभी भी ये लाइन, मतलब पैटर्न मैच नहीं हो रहा। जैसे ये फैन है और ये इसका बैक का पार्ट, तो ये इसमें मैच अभी भी नहीं हो रहा। अब इसके लिए भी हमें एक अल्टर करना पड़ेगा। इसमें हम फाइल को ओपन करेंगे और एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। इसका स्केल सेम 1000, या इसमें हम 1500 ले लेते हैं, ओके। फाइल को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ आकर कंट्रोल बी, कंट्रोल टी करेंगे। स्केल इसका हमें 4 कॉपीज लगानी है या ज़्यादा लगानी है, इसका स्केल हम 20% कर देते हैं एक बार। अप्लाई। इस इमेज को जब हम प्लेस करते हैं और इसकी मल्टी कॉपीज करते हैं, दोस्तों ये नीचे की तरफ तो प्रॉपर इसमें हमारा पैटर्न सीमलेस जुड़ रहा है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी अलग तरह का पैटर्न नहीं आ रहा, जो हमारा शेड्स है वो मिल रहे हैं। अब सपोज इसी को मैं इसके आगे मैच करता हूँ, हमारे सीमलेस में यही हो रहा था, ये वैन का बैक वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा था। अब मैं इसको यहाँ इस तरह से मैच कर देता हूँ, इसकी मल्टी कॉपीज, एक सेकेंड। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको क्रॉप कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसमें आप देखेंगे वैन मैच हो रही है, गाड़ियां मर्ज हो रही हैं, ये वॉलपेपर हमारा कंप्लीट सीमलेस की तरह चल रहा है। अब इन सभी लेयर्स को कंट्रोल ए, कंट्रोल ए नहीं, यहाँ से हम इसको कंट्रोल करके शिफ्ट के साथ और सभी लेयर्स को सेलेक्ट करते जाएंगे। सभी लेयर सेलेक्ट होगी, कंट्रोल अल्ट, और इसी की एक कॉपी हमने लगाई, एक कॉपी और लगाई। दोस्तों अब हम इस वॉलपेपर को कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, इसकी एक नई लेयर बना देंगे। कंट्रोल ए, या हम फाइल डायरेक्टली भी सेव एज कर सकते हैं, फाइल सेव एज, कंट्रोल, फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं, सेव एज जेपीईजी फॉर्मेट, और इसमें हम टू सीमलेस इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके, क्लोज। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, एक नया मटेरियल, इसमें इमेज हम टू सीमलेस को अप्लाई करते हैं। स्केल काफ़ी हमने चेंज किया था, तो इसको स्केल हमें बड़ा करना पड़ेगा, और भी बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें आप देखेंगे
ये जो वैन का पार्ट है ये हाफ कट है, इधर वैन यहाँ है और ये एरोज और ये सब जो है ये गाड़ी का पार्ट कटा हुआ है, लेकिन जब हम अभी सीमलेस वाले को चेक करेंगे तो इसमें हमारा इमेजेस जो है वो प्रॉपर है, इसमें कहीं भी कट नहीं। ये फर्स्ट इमेज थी, इसको हमने क्रॉप किया तो इसमें पैटर्न वर्टिकली रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ही सीमलेस हो गया है, सभी पैटर्न एज इट इज़ दोबारा से पूरी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों इस तरह से ये दूसरी कैटेगरी का हमने सीमलेस किया है। दोस्तों अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों इसमें हमारा ये वॉलपेपर है, अब ये भी एक क्रॉप्ड इमेज है, एक बार हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमें चेंज करना है, कैसे करना है। हमने नई इमेज को सेलेक्ट किया, 3 स्केल हम इसका 1200 ले लेते हैं, इसको मैं पहली इमेज पर अप्लाई करता हूँ। दोस्तों इसमें वॉलपेपर तो सीमलेस की तरह आ रहा है, कोई लाइंस नहीं आ रही हैं, पर आप देखिए ये जो बर्ड है और ये आगे ये कटिंग में, ये यहाँ बर्ड हाफ है, यहाँ ये रिपीटेशन में है, तो ये एरर है इस इमेज में। इसको करेक्ट करने के लिए इस फाइल को हम क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं नंबर 3, इसको भी हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे, एक नई फाइल ओपन करेंगे, साइज कुछ भी हम ले सकते हैं, ओके। यहाँ कंट्रोल वी, इसको कंट्रोल टी करके, और इसका स्केल भी हम 30% या 20% बोल देते हैं। दोस्तों इसमें भी अब हम एक बार इसकी कॉपीज करके देखेंगे, ये पैटर्न भी वैसे ही काम करेगा। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वर्टिकली तो लेयर्स कंप्लीट हो रही हैं, मैच हो रही हैं, इसमें कोई बर्ड किसी तरह से कट नहीं रहा। इन सभी लेयर्स को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और कंट्रोल ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ। अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसमें वो वही रिपीटेशन, ये हमारा वॉलपेपर में दिक्कत आ रही थी, हम इसको सेट करेंगे कहाँ ये मैच हो रहा है। दोस्तों ये देखिए अब ये बर्ड कंप्लीट मैच हो गया है। किसी एक लेयर को मैं कंट्रोल ऑल्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऊपर प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों अब इन सभी लेयर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि हमने पिछले वॉलपेपर में किया था, कंट्रोल ऑल्ट और इसकी कॉपीज हम ये यहाँ रखी जाएगी, कंट्रोल ऑल्ट, इसके बाद फिर से हम मैच करेंगे और एक बार और हम इसको मैच करेंगे जहाँ ये हमें कंप्लीट मिल रहा है। दोस्तों एक बार जूम करके थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें सभी जो बर्ड्स हैं वो प्रॉपर हैं, कहीं कटिंग नहीं हो रही है, तो इसको भी हम फाइल को सेव एज कर लेंगे जेपेग फॉर्मेट में, 3 सीमलेस सेव, ओके। फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम ट्राई करते हैं सेम एक नया मटेरियल, इसमें हम सीमलेस 3 को अप्लाई करेंगे। स्केल हमने बढ़ा दिया था तो और हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसको मैं बढ़ा करके ही पहले अप्लाई करके देखता हूँ, और बड़ा करना पड़ेगा स्केल। तो अभी के लिए हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप जो पैटर्न था, ये बर्ड्स हाफ में और इसमें डबलिंग हो रखी थी, लेकिन अब यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो इसमें कोई भी वॉलपेपर में डबलिंग या किसी तरह का एरर नहीं है। तो ये थर्ड कैटेगरी का था वॉलपेपर। अब लास्ट एंड फाइनल फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। तो इसमें हमारा ये एक इमेज है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, कंट्रोल डिफॉल्ट, एक नया मटेरियल हम इमेज पिक करेंगे, 4 साइज 750, इसको हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये लाइंस आ रही हैं, पैटर्न पैटर्न भी ओवरलैप हो रहा है, मैच नहीं हो रहा,
और लाइंस आ रही हैं। इसको हम इस एरर को कैसे ठीक करेंगे, ओपन फोर। दोस्तों जब पैटर्न मैच नहीं हो रहा और लाइंस आ रही हैं तो इसके लिए हम ये पैटर्न, इस कैटेगरी के पैटर्न में जिसमें कि कंटिन्यूस कोई भी एक पैटर्न की रिपीटेशन है, हम इसको ऐसे सेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से गाइडलाइंस लेंगे और इसको हमने क्रॉप करना है ऐसी जगह से जिससे कि ये सीमलेस मैच हो सके। मान लीजिए मैं ऊपर का हिस्सा डिलीट कर दूंगा तो ये जो एक शेप है इसका हाफ पार्ट अगर यहाँ से कट गया तो इसके नीचे की तरफ मैं इसको यहाँ से कट करूँगा ताकि जब हम रिपीटेशन करें तो ये जॉइंट्स मैच हो जाए। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको हम यहाँ से हाफ कर देंगे। जो ये शेप है ये बाहर का हिस्सा कट जाएगा और दूसरी तरफ से भी आधा हिस्सा कट जाएगा, तो जब रिपीटेशन होगी तो ये ऑटोमेटिकली सीमलेस आएगा। दोस्तों अब इसमें एरर ये आ रहा है कि यहाँ से तो ये हमने वर्टिकली तो जॉइंट मैच कर दिए लेकिन नीचे इमेज थोड़ी सी आउट है, तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं नीचे की तरफ से भी इसको हाफ के लिए जॉइंट मैच कर देता हूँ। दोस्तों ये कॉर्नर एरर कर रहा है, बाकी लगभग ठीक हो सकता है, तो हम इसके लिए इसको कंट्रोल ए कंट्रोल टी और इस कॉर्नर से राइट क्लिक करके स्क्यू करेंगे। स्क्यू करके इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे सीधा कर दें जिससे कि हमारे जॉइंट मैच हो जाए। दोस्तों लगभग इसमें हमारा जॉइंट अब हो रहा है, एक बार हम ट्राई करते हैं इसको क्रॉप करके। जो हमने गाइडलाइंस ली थी उसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। और इतने पार्ट को हम रखकर गाइडलाइन को कंट्रोल सेमी कोलम से हटा देंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल सी सेम वही तरीका, एक नई फाइल और इसको हम ट्राई करते हैं 1000 के स्केल पे। ये अगर हमारी इमेज प्रॉपर है तो हम इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, वो सीमलेस होगी, पर यहाँ हमें इसको क्रॉस चेक करना है तो इसके लिए हम इमेज को एक बार यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों बीच वाली एरर तो हट गया है लेकिन नीचे अभी भी लाइंस में दिक्कत है, तो हम इसको फर्स्ट लेयर एज इट इज, सेकंड पे कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल, पहली इमेज को हॉरिजॉन्टल दूसरी इमेज को वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल, तीसरी इमेज को कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल। दोस्तों काफ़ी बेटर हो गया है ये पहले से, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। और फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं जेपेग फॉर्मेट फॉर सीमलेस। सेव क्लोज नो क्लोज। अब ट्राई करते हैं सेम एक नया मटेरियल, इमेज को हम सीमलेस साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों डिफरेंस आपके सामने है। अब ये जो इसमें शेड्स बन रही है जो है वो तो पैटर्न टाइल के अंदर है, अगर हम टाइल का पैटर्न मैच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये एक इमेज रिपीट हो रही है, ये देखिए इसके जॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं और ये इसमें लाइंस भी आ रही हैं वर्टिकली, ये इसमें स्क्वेयर बने हुए छोटे छोटे हमारी इमेज रिपीटेशन में, जबकि जब यहाँ हम इसको क्रॉस चेक करेंगे इसमें पहले से काफ़ी बेटर है, सेम टाइल्स पैटर्न पूरे फ्लोर पर एज इट इज़ है। और इसको जितना भी, जब हमने सीमलेस कोई भी मटेरियल बनाया है तो इसको जितना भी हम साइज में बढ़ाएंगे मैटर नहीं करता, वो सीमलेस ही रहेगा, वो फुल पैटर्न एज इट इज़ चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप
ये पैटर्न्स को, फैब्रिक को, वॉलपेपर को, टेक्सचर को सीमलेस बना सकते हैं। जितना आपका ये मटेरियल प्रॉपर होगा स्केचअप में, जब भी आप रेंडरिंग करेंगे, इवन मैक्स में भी, 3ds मैक्स में भी, आप जब भी कोई पैटर्न यूज़ करेंगे तो उसको आप सीमलेस यूज़ करेंगे, आपकी रेंडर क्वालिटी बेटर आएगी। अगर आप इस तरह का पैटर्न यूज़ करेंगे जिसमें कि इसमें रेक्टेंगल्स आ रहे हैं या ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा, आपकी रेंडर क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल यूज़ कीजिए और उसको इस तरह से आप सीमलेस बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे जो भी नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।